क्या क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? बस हमें भी सोने की जगह नहीं मिल रही, बैठे शनाख्ती कार्ड लाओ उधर बना के नहीं देते। कहाँ से आए चाचा आप? बिहारी से। कब से लाहौर? साल हो गए। कहाँ सोते हैं आप? इधर ही बस सो जाते हैं, फुटपाथ पे कभी किसी जगह पे बस। अच्छा, तो कोई जगह नहीं मिलती सारी बात, बाहर ही सोते हैं आप? बस इधर ही सो जाते हैं। कार्ड नहीं ना? शनाख्ती कार्ड नहीं है? शनाख्ती कार्ड वो आज गया इधर, अब उधर बनाने गया था। वो कहते हैं बाबा जी क्या करना है बना के, नादरा वाला कहता क्या करना है बना के। खाना शाना खाया आपने? हाँ खाया, इधर खाना करा देते हैं लोग, खाने की कमी नहीं इधर है। बच्चे आपके किधर हैं? बच्चे उधर ही। वो आपकी ख्याल ही रखते? नहीं। कितनी उम्र है बच्चों की, बड़े हैं? छोटे ही नहीं। आप कब घर जाते हैं वापस के? नहीं जाते? कभी जाता हूँ। कितनी देर पहले गए थे? कुछ 6 माह हो गए। 6 माह से घर ही नहीं गए? हाँ जी। उनको पता है आप इधर हैं? हाँ जी। मोबाइल नंबर है कोई आपका? नहीं जी। फिर कैसे रब्ता करते हैं? बस चले जाई जाए तो हैं, बस फोन की बढ़िया शनाख्ती कार्ड की बड़ी तंगी है साहब जी। अच्छा, शनाख्ती कार्ड अगर बन जाए तो फिर? हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक हो सकता है ना। हाँ जी। आप गए नहीं नादरा नुदरा कोई? गया से नादरा के पास, उन्होंने कहा बाबा अब तुम्हारी 60-70 साल उम्र है क्या करना है बना के तुमने। मैं यार करना तो मैं नहीं, लेकिन वो लोग नहीं मानते, वो कहते हैं शनाख्ती कार्ड ही होना चाहिए। उनके उन्होंने कहा नहीं हूँ बाबा जी क्या करना है तुमने बना कर है। इधर फुटपाथ पे सोते हैं आप? हाँ जी। तो इधर तो बहुत नशे वाले भी सोते हैं, नशे के आदि अफराद हैं। साइड पे सोते हैं आप? साइड पे सोते हैं? हाँ, मजदूर पे, मजदूरों के अड्डे पे। आप घर वापस नहीं जाना चाहते? जाएंगे जी। आप चाहते हैं जाना वापस? जाएंगे, उन्हें 5-4 दिन बाद जाएंगे उन्हें। वो आपको ढूंढते ना हो पता करें घर? हाँ जाएंगे जी, उन्हें जाएंगे। ये हालात है जी। आप सामने का क्या नाम है सर आपका? मैं यहाँ चन्नू हूँ, जिला खानावार में, यहाँ तो लाहौर में मजदूरी करने होता था, बर्तन धोना 3-4-5 बजे सूती होने ना, 600-700 रुपये वापस आ जाना कमरे के सामने पक्की लाने से। कितनी देर से मियाँ चन्नू, कितनी देर तो आए हुए थे? तो 4-5 दिन हो गए ना। तो वापस कितने जाते हो? वापस 1 महीना बाद मांगा 15 दिन। तो मजदूरी मिल रही है, चल रहे? हाँ जी, गुजारा हो रहा है। बच्चे नहीं कारोबार रोटी बनाना 500-600 रुपये 700 रुपये जा रही तमें जमीन 7-2-3 बजे 4 बजे 5 बजे बस चले थे ना। मैं अलहमदल्ला नबी पात्र, अल्लाह पात्र, नबी पात्र इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा हैदर। ऊपर आ जाओ, इधर आ जाओ। हैदर नाम है? कहाँ से आए आप? सियालकोट। कब से इधर हैं? 3-4 माह। किधर सोते हैं? सराब होटल। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह सराब में सोते हैं 50 रुपये दे के, तो गरीब आदमी है। इतने मजदूर हैं ना, ये सारे सराब में सोते हैं। या कोई होता है, कोई नशेई वगैरह होता है जो इधर फुटपाथ पे, जिसकी जेब में पैसा नहीं होता या जिसकी जेब काटी जाती है इधर, ठीक है, वो इधर बेचारा फुटपाथ पे सोता है, ठीक है, नहीं तो जा 50 रुपये पड़ के सराव में सोते हैं। उधर तो बहुत बुरा हाल है सराव में, तो कैसे गुजारा करते हैं आप लोग? जेब उधर, जेब कतरे हुए मनशियात फरोश भी उधर ही होते हैं। हाँ जी चाचा, ओना ही खटमा लेना के जिदा कोई हिसाब नहीं, गरीब का तो कोई नहीं आसरा। इमरान खान भी वादा किया था गल, भी खाता को नहीं, माड़े का बिल्कुल हाल को, माड़े दिहाड़ी नहीं लभदी, कि बेचारा जाए कोई आया उधर जिसे को पुछिए दिहाड़ी, ओने इमरान खान दियो वोट, उस सख्ती आ गई अगले नाल। कोई गरीब जेल च टुट जाता, उसकी जान ही नहीं, उन्नी छुटती जेल गए ने नवाब जड़े ने, उन्होंने बिस्तर लभदे ने, शरीफ सब कुछ माड़े ने, बेचारे खुडा नहीं लभदा। कैसा कानून है इस मुल्क का, इधर तो बंदा मर जाए तो चंगा, कोई कानून नहीं साढ़े मुल्क का बिल्कुल। खान साहब नारा लाया जी बड़ी तब्दीली, कड़ी तब्दीली, ये तो इतना ही बेचारे मरते फिरते, कोई इन्होंने बेचारे का आसरा नहीं कोई गल। गरीब आदमी का कोई ना कोई असूलत होनी चाहिए, माड़े तो टुर ए गरीब आवाम है जिन्हें बेचारे का कोई आसरा नहीं। इधर ही जो सरमाएदार ने, उसके अगे ही सरमाएदार ने, उन्हें की है
ਕੋਈ ਖਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਸ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮਾਰਾ ਲਿਆ ਮਾਲਕ ਸੇ, ਉਹ 10,000 ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਥ ਮੇ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਕਾਮ ਕਰਤਾ ਥਾ ਨਾ ਉਧਰ ਉਹ ਰਹਿਤਾ ਥਾ, ਉਸਕੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੀਨ ਉਸਕੀ ਬੇਟੀਆਂ ਥੀ। ਕੱਲ੍ਹ 2 ਵਜੇ ਕਾ ਵਾਕਿਆ ਜੀ, 2 ਵਜੇ ਕਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਕਿਆ ਜੀ, ਹਮ ਉਧਰ ਕਾਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਾਮ ਕੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਪੈਸੇ ਕੀ ਬਾਰੀ ਆਈ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਗ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਾ? ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ, ਉਕਾੜੇ ਕਾ। ਉਹ ਭਾਗ ਗਿਆ ਆਪਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਾ ਕੇ? ਭਾਗ ਗਿਆ, ਸਾਥ ਮੇ ਔਰਤ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਦੋਸਤ ਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਨਾਲੇ, ਇਧਰ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਇਧਰ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਅਭੀ ਕਾਮ ਪੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਭੀ ਇਸਕਾ ਰੇਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ 500,000, ਇਸਕਾ ਰੇਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਭੀ ਇਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਏਗਾ, 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਤੇ, ਇਧਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਗਾੜੀ ਬਿਠਾਤੇ ਹੈ ਵੇਟਰੋਂ ਕੋ ਕਾਮ ਪੇ ਲੈ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਉਧਰ ਮਾਰ ਗੁੜ ਕੇ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਗ ਕੇ ਇਧਰ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤਾ ਹੈ ਯਹਾਂ ਸੇ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਸੇ ਬੇਚਤੇ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਬੇਚਤੇ ਹੈ, ਉਨ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਇਧਰ ਪੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਚਦੇ ਹੈ, ਜਾਓ ਜੀ ਕਾਮ ਪੇ ਚਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰੋਂ ਕੇ, ਆਪਕੋ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੇਗੀ 800 ਰੁਪਇਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਰੈਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੈ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਜਬ ਲੈ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਨਯਾ ਲੜਕਾ ਜਬ ਆਏ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਇਧਰ ਹੀ ਬੈਠਤੇ ਹੈ ਆਪਕੇ ਪਾਸ, ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਭੀ ਨਯਾ ਲੜਕਾ, ਉਹ ਬਾਟੀ ਅੱਡੇ ਮੇ ਅਭੀ ਜਾਓ, ਅਭੀ ਵੀ ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਇਧਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਕੋ ਬੋਲੇ ਮੈਨੇ ਕਾਮ ਪੇ ਜਾਣਾ, ਉਸਕੋ ਤੁਹਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਭੀ ਫੋਨ ਪੇ ਬਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਮੁਝੇ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਇਜੀ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਰਹਾ ਹੂੰ ਤੁਹਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਜੇਗਾ, ਭੇਜ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਭੇਜਦੇ ਕਹਾਂ? ਭੇਜਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੇਜਦੇ ਹੈ, ਡਡਿਆਲ ਭੇਜਦੇ ਹੈ, ਚੱਕ ਸਵਾਰੀ ਭੇਜਦੇ ਹੈ, ਯਖਾਰੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਬਾਵਲ ਦਿਨ ਭੇਜਦੇ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਲੇਤੇ ਹੁਣ ਸੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੇਤੀ ਹੈ, ਅਭੀ ਇਧਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਇਹ ਇਧਰ ਲਾਹੌਰ ਮੇ ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਥੀ, ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਲਾਹੌਰ ਮੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਤਾ, ਕਿਉਂ ਇਧਰ ਯੇ ਇਸ਼ਾ ਨਗਰੀ ਮੇ ਜਾਓ, ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਸਮ ਸਿਗਰਟ ਬਣਾ ਰਹਾ ਹੋਗਾ, ਉਸਕੋ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਸਕੋ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਇੱਧਰ ਸੇ ਅਭੀ ਇੱਧਰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਪੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਯਹਾਂ ਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਯਹਾਂ ਸੇ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੇਖੇ ਅਗਰ ਯਹਾਂ ਸੇ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਤੇ ਹੈ ਗਾੜੀਓ ਮੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਤੇ ਹੈ ਬਾਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੇ ਲਈ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੇ ਲੋਕੋ ਕਿਸੀ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਰ ਇਨਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਇਨਕਾ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਆਪ ਸਮਝੇ, ਯੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਹਮ ਲੈ ਜਾਤੇ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੇ ਲੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਸਕੀ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਈ ਕਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਯੇ ਲੋਕ ਇਨਹੇ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹੀਂ ਬਾਹਰ ਬਾਰਡਰ ਮੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹੀਂ ਕਿਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਯਾ ਅਗਰ ਇਨਹੇ ਲੈ ਜਾਤੇ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਇਨਹੇ ਮਨਾ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਇਸਕਾ ਜਵਾਬਦਾਰ ਕੌਣ ਹੋਗਾ, ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੇ ਤਹਿਕੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਜਿਸਕੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਪੇ ਇਸਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋ ਤੋ ਜੀ ਯਾ ਆਪ ਮਰ ਰਹੇ, ਭੂਖਾ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਸਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਹਿ, ਤੂੰ ਅਬ ਤੂੰ ਵੀ ਯਹੀ ਬਾਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਵੋ ਵੀ ਯਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਤੇ ਤੂੰ ਕਾਮ ਪੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਕੋਈ ਬਲਾ ਕਰ ਉਧਰ ਸੇ ਭੇਜਾ ਹੈ, ਵੋ ਬੇਚਾਰਾ ਕਪੜੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਧਰ ਸੇ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਉਸ ਪਰ ਚੋਟੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਸਮ ਪਰ, ਅਗਰ ਵੋ ਨੰਗਾ ਵਹਾਂ ਸੇ ਆਇਆ ਤੋ ਇਸਕਾ ਮਕਸਦ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਕਾ ਸਾਥ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁਆ ਹੈ ਯਾ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ, ਬੁਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿਣੇ ਕਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਮੇ ਵੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈ ਲੇ, ਥਾਣੇ ਵਾਲੋ ਸੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਭਾਈ ਯਹਾਂ ਸੇ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਨਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਆਪਕੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਯੇ ਕੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਇਧਰ ਅਭੀ 10 ਮਿੰਟ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਧਰ ਅਭੀ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਬਣਾ ਰਹਾ ਹੋਗਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏਗਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜੇਗਾ ਉਸਕਾ ਗੁਟਾ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਸਕਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੇਗਾ, ਮਾਲ ਨਿਕਾਲੇਗਾ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਨੇ 200-500 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾ ਦਿਹਾੜੀ ਨਿਕਾਲਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਵੋ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸਕੋ ਬੋਲੇਗਾ ਜਾਓ ਜਾਓ ਹੋਰ ਬਣਾਓ ਪੀਓ ਤੁਮ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੋ ਸੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਤੇ, ਹਾਂ ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਪਕੜਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਇੱਧਰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸਕਾ ਮਾਲ ਲੈ ਲੇਤੇ ਹੈ, ਬਸ ਉਸਕੋ ਛੋੜ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਛੋੜ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕਰ ਛੋੜ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਯਾਰ ਕੋਈ, ਇਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗੇ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਈ ਤੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਬਈ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਆਪ ਗਰੰਟੀ ਦੇਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆਪ ਆਪ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਮੇ ਇਨਕਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੋ ਇਨਕਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਧਰ ਸੇ ਫਿਰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਇਹ ਟੀਵੀ, ਇਹ ਆਪਨੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਯਾ ਹੈ ਵੋ ਫਸਤਾ ਹੈਗਾ,
वो शिकंजे मेन के आ जाता है, उधर से वो वापस ही नहीं आता। साहब इसके बारे में कह रहे थे महंगाई के बारे में, अब महंगाई का कहना ये है कि जो लोग कहते हैं ना महंगाई है, देखें महंगाई हम लोग बर्दाश्त करेंगे। जैसा कि पहले कानून चल रहा था वो कौन सा, मोदी का, हिंदुओं का कानून चल रहा था इंडिया का पाकिस्तान में, मगर अभी क्या है, अभी पाकिस्तान का मुस्लिम ये मुसलमान है जितने भी हैं इनका कानून है, मुसलमान कानून पाकिस्तान में जारी हो गया है, पहले वाली बात नहीं रही। आपकी जो बात है आपकी बात इंटरनेशनल हो गई है। इमरान खान को हम लोग सबसे मेन पावर मानते हैं, इमरान खान ही सबसे अच्छा है, जितने भी आए थे अब जो आए हैं चार पांच जो गुजर गए हैं इनसे पहले जो थे वो अच्छे थे, अब जो जा रहे हैं इमरान खान साहब सबसे अच्छे हैं। हम इमरान खान को ही वोट देंगे और उसी के साथ ही रहेंगे, ये हमारी पक्की बात है, क्योंकि इमरान खान जिंदाबाद। बात जो आप जो है ना वो वहाँ से जो ना रिकॉर्ड नहीं हो रही, जो आप जो दिखाते हैं वहाँ पे बात है। जो हम जो उनकी तरफदारी कर रहे हैं, जो आप कहेंगे कि उनकी तरफ इमरान खान की तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान सही कह रहे हैं। मैं मुझे एक साल हो गया, मैं क्या करते हैं, मैं मजदूरी करता हूँ। किधर होते हैं? यहीं पे होता हूँ मैं, उर्दू बाजार में वहाँ पे काम करता था। लेकिन ये जो है ना ये गलत बात है, ये जो कहते हैं कि भी ये जो हम मजदूरी नहीं है, मजदूरी है पाकिस्तान में, है पाकिस्तान में। अगर इन्हें ये मेहनत बंद भाई जान ये मेहनत नहीं, 8 घंटे सानू लगे 800 रुपया उन्हें क्या सी, वो भाग कर चला गया पैसे लेकर। मजदूरी की बात कर रहे हैं, सियासी बात होनी रही। बेटियाँ हैं तीन, उस पालने वाला कौन? अगर इधर इधर ये ठेकेदार है ना, उनसे मिलती नहीं है, पीछे से गाड़ी का तकरीबन 5-5, 10-10 हज़ार कमाते हैं, लेकिन मजदूर को देते हैं 400-300-400, ये मजदूरी तो नहीं है ना, ये खाते खुद हैं ठेकेदार खाते हैं, पीछे से मजदूरी जो मालिक है ना गाड़ी के वो ठीक देते हैं, लेकिन और मुंशी है ठेकेदार का जी, ठेकेदार सामने कौन से वाला ठेकेदार, क्या हाल है सर? आप ठेकेदारी करते हैं जी? आप तो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे ठेकेदारी। बहुत सारे ये कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे ठेकेदार हैं जो यहाँ से बुक करवा के बंदे कश्मीर भेज देते हैं। सर जी मैं इधर खड़ा हूँ, अगर हमारा कोई भी आदमी लाहौर से बाहर जाता है यहाँ किसी को मजदूरी नहीं मिलती, मैं जिम्मेदार हूँ। बाकियों का है वैसे ऐसा? सर वो लोगों का फेल है, ये क्यों जाते हैं? इसका मतलब जाते हैं, जाते हैं, क्यों जाते हैं? इनको जबरदस्ती नहीं जाता। जो नया बंदा आता है वो ट्रैप हो जाता है, ये खुद ही ट्रैप होते हैं। नया बंदा आता है जी, जो इधर नया आदमी लड़का आता है ना बच्चा मजदूरी करने के लिए, उन्हें ये लोग गुमराह करके भेज देते हैं कश्मीर, गुमराह करके ले जाते हैं। 700 दिहाड़ी है, 800 देंगे, 1000 देंगे, 1200 देंगे, इसी तरह चक्कर चला के ले जाते हैं। बंदा आता है वो उसको फंसा के ले जाते हैं, वहाँ पे मारते हैं, जुल्म होता है वहाँ पे, बहुत सारा जुल्म होता है। 10 दिन क्या क्या कर घट मजदूरी देते हैं मालिक से, उधर 15,000 लेते हैं गाड़ी का, इधर 3-3, 4-4 सौ में मजदूर को ले जाते हैं। खैर आप ऐसे करें, ये भाई को मैं साथ ले, ये तो ठीक है, प्यार से प्यार उन्होंने गिला कर भी दिया तो मजदूर, ये भाई जो आबदार बनेगा ठीक है, ये खुद मालिकों को बताते हैं हम 300 यार शालमी की गाड़ी जो मैं शालमी नहीं ठेका, मैं जो काम करना मैं उनकी गल कर, मजदूर आदमी बेचारा क्यों आप गुस्सा कर? मैं आज मेरी गाड़ी है, मैंने उर्दू बाजार में 20 आदमी लगाने हैं, इस आदमी को मजदूरी दुआऊंगा मालकों से ट्रैक्टर ठीक है ना, 20 आदमियों को पैसे दे के जितने बचे ना, ये फिर इसे मैंने 5,000 रुपये अपनी दिहाड़ी लेनी जो ये कह रहा है, ये अब फिर मैं हकदार हूँ ना, अगर मुझे 800 बचा, एक मिनट 800 बचा, मालक मेरी एक बात बताएं, एक मालक का करोड़ रुपये का कंटेनर आता है वो पागल है, उसे नहीं पता ये आदमी 500-500 रुपये में लगे हुए हैं, 20 आदमी 10,000 रुपये इनकी मजदूरी बनती है, ये मालिक को पता क्या कहते हैं, हम इनको 500 मजदूरी देते हैं, मालिकों में मुंह पे जाके कहते हैं हमें 400 रुपये दे रहा है, ये बात ये मालिकों करते हैं। और आप मुझे बताएं, आप जो मालिक हो आप मुझे 20,000 रुपये देंगे, 10,000 रुपये की दिहाड़ी मेरी लगने देंगे? मालिक बेवकूफ हैं जो करोड़ों का कारोबार कर रहे ताजर, अब उनकी से सुनो, ठेकेदार लेकर गया है हमारे सामने, वो 30 बंदे लेकर गया है, उसने 400-400 पर ना 2 गाड़ियां कही थी भी उतारनी है, जब पैसों की बारी आए हमने कहा मालकों को हम 400 में 2 गाड़ी वारे में नहीं है, हम 400 में नहीं उतार सकते, मालकों को पता लग गया, उन्होंने सुबह सारे लड़कों को खड़ा करके ना 1,000-1,000 का नोट दिया, वो कितनी दिहाड़ी लगा रहा था ठेकेदार। अच्छा कुछ केसेस होंगे, कुछ केसेस होंगे कुछ होंगे ना, लड़के सबके सामने खड़ा ये साहब नहीं होंगे, कुछ केसेस होंगे ना, या किसी का मजदूरी मारती है मुझसे बात करे जी बेटा। नहीं नहीं ये बहुत अच्छे आदमी है,
ये सुबह इसने ज़्यादा पैसे दिए हमें, 250 रुपये दिया, वो 200 रुपये आता था, इसने ज़्यादा दिए पैसे, किसी के साथ ये ज़्यादती नहीं करता।